मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, अमेठी से जहां महिला दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, थाना परिसर के आवास में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला शव। मोहनगंज कोतवाली में तैनात थी महिला दरोगा का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। खिड़की तोड़कर पुलिस ने महिला दरोगा का शव निकाला, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी से जहां महिला दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, थाना परिसर के आवास में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरविंद, क्या वजह अब तक सामने आई है, किस वजह से आत्महत्या की गई? मोनिका जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में इस रश्मि यादव यशाई की मौत हुई है, अपने थाने के कैंपस के अंदर जो ब्लॉक बने हैं, ब्लॉक में ये रहती थी, वहां पर फंदे में इसकी लाश लटकी हुई मिली और उसके बाद दरवाजा भी बंद था, पुलिस वालों को खिड़की तोड़नी पड़ी, खिड़की के माध्यम से इसकी लाश को निकाला गया बाहर। उसके बाद डॉक्टरों को भी दिखाया गया, डॉक्टर भी देखे, डॉक्टर का कहना है कि ये फांसी के फंदे से इसकी मौत हुई है, इसके गले पे निशान भी है, लेकिन कुछ कहना उचित नहीं होगा। ये संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी लाश को घर कमरे से बाहर निकाला गया है और अभी पुलिस के एडिशनल एसपी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। अभी डॉक्टरों की माने तो कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। जी अरविंद, क्या दरोगा के जो अन्य साथी हैं उनसे बातचीत की गई, क्या किस परेशानी से जूझ रही थी या ऐसी कोई समस्या थी जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया? मोनिका जी, मैं ये भी बता दूं कि ये 2 साल से अमेठी में हैं और थाने में तैनात रही हैं। कुल मिलाकर के इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है और मोहनगंज थाने से लेकर मुख्यालय तक काफी प्रशंसा भी होती रही है कार्यशैली को लेकर के, लेकिन आज जो परिस्थिति सामने निकल के आई है इसमें लोगों का भी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी अरविंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।